मिजोरम में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 रही। भूकंप के झटके सुबह 4:40 पर महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मिजोरम के चंपाई के 27 किलोमीटर दक्षिण में आज तड़के 4:10 पर भूकंप आया। मिजोरम में 12 घंटे के भीतर दूसरी बार झटके महसूस किए गए हैं। रविवार शाम को भी राजधानी आइजोल के 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में करीब 4:16 पर भूकंप आया था। इधर सुबह आए भूकंप में चंपाई जिले के ख्वाबुंगा के जोखाव तार में एक चर्च सहित कई मकान और इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप ने कई स्थानों पर राजमार्गों और सड़कों पर दरारें पैदा कर दी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बातचीत की। उन्होंने ट्वीट किया, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से भूकंप के मद्देनजर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मिजोरम के मुख्यमंत्री से बातचीत की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राज्य में आए भूकंप के बाद स्थिति पर समीक्षा के लिए सीएम जोरमथंगा जी से बातचीत की गई है। मैंने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में देश के कई हिस्सों में भूकंप आ चुका है। दिल्ली, NCR, झारखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गुजरात सहित कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 12 घंटे में दूसरी बार ये है मिजोरम में जो है झटके महसूस किए गए हैं। प्रधानमंत्री गृहमंत्री ने भी ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री से जोरमथंगा जी से उन्होंने बातचीत की है और राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।